IFBB की वॉशिंग मशीन है, तो इसका अभी क्या कर देंगे हम लोग डेमो देखने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे आपको यूज करना है, क्या करना है, कैसे इसका क्या है मेंटेनेंस है, वो सब प्रॉपर बताते हैं। ये मॉडल कौन सा है आपका है? XJ2+YM-XC10KG 1400 RPM हो गया। एक चार स्टेप में डेमो होता है। फर्स्ट क्या करते हैं, लोडिंग और लोडिंग करते हैं, सेकंड लिक्विड ड्रेनिंग करते हैं, थर्ड प्रोग्रामिंग और चौथा मेंटेनेंस करते हैं। डोर ओपन करने पर जब भी कपड़े फिलअप करना है कम से कम 50% कपड़े होना चाहिए, हाईएस्ट 80% कपड़े डालना है। हम लोग जब भी कपड़े डालते हैं तो सिंगल सिंगल करके आपको कपड़े फिलअप करना है, वन बाई वन डालना है, ऐसे गट्ठा बना के एक बार नहीं डालना है। आपने क्या किया, सिंगल सिंगल कपड़े डाल दिए, कम से कम 50% कपड़े होना चाहिए, हाईएस्ट 80% हम लोग क्या करते हैं कपड़ा फिलअप करते हैं, किसके ए ड्रम का अंदर। आपने कपड़े डाल दिए, डोर बंद कर दीजिए। डोर बंद करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है, लिक्विड डिटर्जेंट। फर्स्ट वाले में क्या हम लोग डालते हैं, ये जो फर्स्ट चैम्बर होता है तो इसमें क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं। कपड़े के स्मेल कुछ भी डालना, जैसे कम्फर्ट हो गया, नील हो गया, कुछ भी आपको स्मेल कुछ एक्स्ट्रा डालना है तो कहाँ डालते हैं, सेकंड वाले में डालते हैं। थर्ड में क्या डालते हैं, बहुत हाइजीन कपड़े हैं, कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पर जाते हैं उसका कपड़े लगाना है तो किस में लगाते हैं, दोनों साइड लिक्विड डालते हैं। 40 ml यहाँ डालते हैं और 20 ml यहाँ पे। उसके लिए क्या कहते हैं, प्रीवॉश सिलेक्ट करते हैं। तो प्रीवॉश जब भी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रीवॉश सिलेक्ट करते हैं, एक बार गंदे पानी जो लेता है कंटिन्यू उसको ड्रेन कर देता है, फिर मेन वॉश मारते हैं, फिर लिक्विड लेता है, तो कपड़े बहुत अच्छे क्लीन स्वच्छ निकलते हैं। तो आपने क्या किया, लोडिंग और लोडिंग कर लिए हैं। सेकेंड स्टेप क्या किए हैं, लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिए हैं। थर्ड का तो प्रोग्रामिंग होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं। वहाँ से पावर ऑन करने के बाद फिर यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं। ये जो बटन दिख रहा है ये वाला, यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। अभी क्या किया, सब लाइट आ गया है। लाइट आने के बाद ये जो नोब होता है ये क्या करते हैं, एंटी क्लॉक घूमता है। ये आप किधर से इसको क्या करते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं। जो फर्स्ट हो आता है मिक्स डेली, जितने फैमिली मेंबर कपड़े आते हैं, किसी सिंथेटिक, किसी उलन्स, किसी कॉटन, किसी जींस, किसी स्पोर्ट भी, जितने मिक्स कपड़े होते हैं तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, मिक्स डेली लगाते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है ये जो सिंबल बारी जैसा दिख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टीम सिलेक्ट करते हैं। स्टीम मीनिंग क्या आता है, पहले क्या होता था, कोरोना जब नहीं था तो उसके पहले सब लोग क्या करते, कोल्ड पानी कपड़े धोते थे, जब बैक्टीरिया वाले कपड़े आए वो सब आए, तो अभी सब लोग क्या थोड़ा गुनगुना पानी कपड़े क्या करते हैं, धोते हैं। इसमें आपको लगता है आपने स्टीम नहीं सिलेक्ट किया हुआ है सब प्रोग्राम पे, तो ऑटोमेटिक इस पर 30, 40, 60 टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट रहता है। आप जब स्टीम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टीम सेलेक्ट करते तो 15 मिनट के लिए क्या रहता है, स्टीम सेलेक्ट होता है, तो उसमें क्या बहुत गर्म पानी करके वो कपड़े धोता है। दो बार बीच में क्या आता है, मशीन रुका रहता है 15-15, 20-20 मिनट लेके आता है, बहुत हॉट पानी करता है, उसमें आपको क्या होता है कपड़े धोता है। आपने क्या किया, मिक्सी डेली लगा दिया है। अभी आप 1000 RPM बता रहा है। AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको क्या चाहिए, कितना पानी चाहिए, कपड़ा कितना गंदा क्या है, तो उसके हिसाब से सब कुछ मशीन सेटिंग खुद ही करता है। 1000 RPM हो गया, AI टेक्नोलॉजी हो गया है, और इसमें 1 kg वेट बता रहा है, 10 kg वेट बता रहा है, तो आप इसमें डाल सकते हैं 10 kg तक इसमें वेट डाल सकते हैं। कॉटन, जो कॉटन कपड़े आते हैं वो सब लगाना है, तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, कॉटन ले कॉटन लगाना है। जो वाइट कपड़े होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, कॉटन लगाते हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर रहता है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1.5 घंटे टाइम बता रहा है, 10 kg वेट बता रहा है और 40 टेम्परेचर दिया हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक सब सेट है। आपको लग रहा है मुझे स्टीम सेलेक्ट करना है, तो आपको कंटिन्यू आगे करते हैं। बेबी बियर, छोटे बच्चे के कपड़े हैं वो सब कपड़े लगाना है, तो कौन से प्रोग्राम लगाते हैं, बेबी बियर लगाते हैं। एल्टीनर्जन, कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो सब कपड़े जब भी लगाना है तो किस में लगाते हैं, एल्टीनर्जन लगाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। स्प्रेस, इसमें क्या है, आप स्प्रेस लगा सकते, इसका टाइमिंग कितना होता है, 30 मिनट्स होता है, तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं हैं तो इसमें आप लोग कपड़े लगा सकते हैं, इसका टाइमिंग कितना, 30 मिनट्स है, तो इसमें आप स्टीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश, बहुत टाइम्स कपड़ा रखा हुआ है आपको रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश भी इसमें हम लोग किस में करते हैं,
रिफ्रेश लगा देना आपको। इसका टाइमिंग 30 मिनट्स रहता है। स्पिन ड्राई ऑब्लिक रिंच दिया, इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट क्या होता है, स्पिन ड्राई, जैसे आपने क्या किया हुआ है, हाथ से कपड़ा धोया हुआ है या पाउच वाले कपड़े, सिर्फ कपड़े मुझे ड्राई करना सुखाना है। जब भी हम लोग गीला कपड़े डालते हैं कम से कम 50% डालना पड़ेगा, हाईएस्ट 75% गीला कपड़े डालते हैं। क्यों, जब लोग गीला कपड़े डालते हैं उसका वेट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट इसका टाइम कितना आ गया, 23 मिनट। अभी आपको लग रहा है मुझे रिंच लेना है, आपको रिंच किस लिए यूज करते हैं, आपको लग रहा है मुझे अलग से कम्फर्ट शॉर्पनर नील डिटॉल परफ्यूम और सब डालना है, कपड़े की स्मेल भी डालना है, तो उसके लिए आप स्टार लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कपड़े में थोड़ा साबुन कुछ भी लगा हुआ है तो इसमें हम लोग स्टार रिंच भी ले सकते हैं। एक बार क्या करेगा, कपड़े खंगालेगा, उसके बाद क्या होगा, ड्राई होके आ जाएगा। आपने स्टार रिंच सेलेक्ट किया, फर्स्ट किया और तुरंत सेलेक्ट किया, तो इसमें क्या होगा, आपका टाइमिंग थोड़ा प्लस हो जाएगा। 23 मिनट था तो इसमें कितना हो जाएगा, 27 मिनट होता है मे बी, तो इसमें 27 में इसमें क्या होता है, आपका ऐड हो जाता है कितना, 4 मिनट और ऐड। इसमें क्या होगा, पानी लेकर कपड़े खंगाले उसके बाद ड्राई होके आ जाएगा। केडल वॉश, केडल वॉश एक ऐसा IFBB कंपनी है, सिर्फ इसमें ही देता है IFBB, और किसी कंपनी वाला केडल वॉश नहीं मिलता है। केडल वॉश में क्या करते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा हो गया, जिस कपड़े में बहुत वर्क हो रहा है, जिस कपड़े में बहुत डिजाइनिंग रहता है, उसका कपड़ा लगाना है तो कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं, केडल वॉश को लगाना पड़ेगा। सिंथेटिक डेली, जो नाजुक साड़ी आता है वो सब लगाना है, कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, सिंथेटिक डेली लगाते हैं। उलंथ, जो ठंडी वाले कपड़े आते हैं तो कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं, उलंथ से उलंथ लगा देना है। तो इसमें क्या होता है, 30 टेम्परेचर दिया रहता है। अभी जो उलंथ वाले कपड़े रहते हैं बहुत नाजुक कपड़े होते हैं, आप ज़्यादा टेम्परेचर लगा देते तो कपड़ा क्या होगा, सिकुड़न भी आ जाएगा और बॉडी में चुभने भी नहीं लगता है। इसके लिए जब भी लगाना है आपको उलंथ के लिए उलंथ लगाना पड़ेगा। इसमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 30 टेम्परेचर दिया रहता है, इसमें RPM भी कम रहता है। हाँ जी, उलंथ लगा सकते हैं जी। स्प्रे स्वास में हो क्या होता है, ना के बराबर गंदे कपड़े, जैसे आप मार्केट के म्यूनसिपालिटी ऑफिस गए हैं जो था 2-4 घंटे कपड़े यूज किए हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं, स्प्रे स्वास यूज करते हैं। जो ए माई IFBB, तो ए किस लिए यूज किया जाता है, आपको लग रहा है मुझे राउटर से चलाना है या मोबाइल से ऑपरेट करना है, तो उसके लिए क्या करता है, माई IFBB डाउनलोड करना पड़ता है, आपका प्रॉपर नाम जो भी रहता है वो सब डालना पड़ता है। उसमें हम लोग मोबाइल से भी ऐड कर सकते हैं, आप वहाँ से चला सकते हैं मोबाइल से, प्रोग्राम कौन सा है क्या है इसमें आपको प्रॉपर सब कुछ रहेगा, तो आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल से अपडेट कर सकते हैं। ठीक जी, इसमें आपका टाइमिंग प्लस होगा, जो आपका 2 घंटे 7 मिनट दिख रहा है तो इसमें आपको टाइमिंग प्लस ऐड होता चला जाएगा। दो बार दबा दिए, ये वार्म सोक हो गया। स्टरर रिंच, मशीन क्या करता है, 3 बार पानी देता है 3 बार ड्रिंक करता है, इसमें क्या कोई 4 बार पानी देगा 4 बार ड्रिंक करेगा, 3 बार दबाना इसको, अभी सब ऐड होता है। आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें टाइमिंग भी आपको प्लस होता चला जा रहा है। ठीक, स्टीम ये सब एक्स्ट्रा प्रोग्राम है सर, आपको चाहिए तभी लेना, नहीं तो आपको कोई एक प्रोग्राम चाहिए तब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिले स्टार्ट, आपको लग रहा है मुझे 2 बजे बाहर जाना है, 4 बजे पानी लाइट आने वाला है, आपके इधर पानी आने वाला है, तो 2 घंटे हम लोग डिले लगा सकते हैं, 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक डिले इसमें लगाते हैं। देखिए 30 मिनट, 1 hour, आपको जो भी चाहिए 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक हम लोग इसमें डिले लगा सकते हैं। हावर्स है सर, 10 hours हो गया, 12, 14, ठीक है। टाइम सेवर, अभी आपको टाइमिंग कितना दिख रहा है, नहीं अभी वो हटा देंगे, अभी आपको ये बताने के लिए सब कुछ कर रहा है, उसको हटा देंगे सब, हट गया है। अभी आपको टाइमिंग कितना दिख रहा है, इसमें 3 hours हो गया। आपको लग रहा है ये सब सेलेक्ट होना चाहिए और टाइमिंग भी कम होना चाहिए, आपको टाइम सेव करना चाहिए, तो इसके लिए कितनी बार दबाना, 6 बार दबाना, हमारा बटन नहीं ऑप्शन वाला, 1, 2 इसमें जो आपका टाइमिंग था 3 hours 147 मिनट टाइमिंग हो गया है। और आपको इसमें 2 प्रोग्राम हट गया, सब कुछ हेड है, एक स्टीम हट गया है, एक शॉक हो गया है, वार्म शॉक हट गया है, 2 प्रोग्राम इसमें हट जाएगा और सब कुछ हेड रहेगा। वो अपने आप जितना अच्छा क्वालिटी का करना है वो
हाँ वो खुद ही मशीन डिलीट कर देता है। ठीक है, आपको लग रहा है ये जो बटन दिया हुआ है स्पिन रिस्पीड कम ज़्यादा करना, यहाँ से हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1200 1400 जीरो हो गया, 400 600 800 ये आपका जो भी आरपीएम है यहाँ सेलेक्ट कर, जो कंपनी की सेटिंग वो सबसे बेस्ट है, ये आपको कभी लाइफ में करना हो उसके लिए कर सकते हैं, नहीं तो जो कंपनी की सेटिंग वो सबसे बेस्ट है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉलेज की बता रहे हो, आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये टेम्परेचर हो गया, आपको लग रहा है टेम्परेचर मुझे कम ज़्यादा कर, आपको लग रहा है मुझे ठंडे पानी कपड़े धोना है, कॉटन कितना है 60 टेम्परेचर दिया हुआ है, 40 60 95, ये क्या करते हैं 95 टेम्परेचर तक आप इसमें गर्म पानी ले सकते हैं जी, ये आप कोल्ड भी ले सकते हैं चाहिए तो, कोल्ड हो गया अभी आपका ऑप्शन हो गया ये है ये, बट जो भी मुझे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, और आपको लगता है मुझे छोटे बच्चे कोई है चाइल्ड लॉक करना है तो हम लोग चाइल्ड लॉक भी सेलेक्ट कर सकते हैं ये दोनों बटन से, हाँ ये दोनों बटन स्पिन और ये वाला, इसके चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। आपने स्टार्ट किए, आपको लग रहा है मुझे चाइल्ड लॉक रहे, दोनों बटन कंटिन्यू कर दो बात रखिए, ये चाइल्ड लॉक हो गया, अभी कोई बटन काम नहीं करेगा, आपको हटाना है तो दो, ठीक ये देखिए जो दिख रहा है ना ये चाइल्ड लॉक हो गया, आपको चाइल्ड लॉक हटाना है तो दो बटन फिर दबा कर रखिए कंटिन्यू, ठीक।